अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल EHE असाइनमेंट्स। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन से मिल जाए। आज जो कोर्स कोड मैं आपके लिए लेकर आई हूँ BEd का 8611 है, क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। आपको बताया कि इसकी फर्स्ट असाइनमेंट की सबमिशन की लास्ट डेट है 31st August। क्वेश्चन नंबर 1 पे अगर हम आ जाएं तो एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ क्रिटिकल अप्रोच इन सोशल साइंसेस। इसमें सबसे पहले आंसर देते हुए आपने फर्स्ट पैराग्राफ में इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे देनी है कि व्हाट एक्चुअली द क्रिटिकल अप्रोच इज। उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग एज पर फिलोसफर्स, कि डिफरेंट फिलोसफर्स के हिसाब से ये क्या है। फिर उसके बाद आप क्वेश्चन के मेन पार्ट पे आएंगे, दैट इज द ओरिजिन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। इस पार्ट में आप डिफरेंट थियोरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यूज, उनकी डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये थ्योरी एवॉल्व हुई और किस तरीके से इसकी फिलोसफिकल फाउंडेशंस हैं और इनका इम्पेक्ट क्या है, और उसके अलावा इनकी एम्पेरिकल कंसिड्रेशंस क्या हैं। ठीक है, वो सारी बातें हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे इस पार्ट में। देन मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन इन डिटेल डिफरेंट सोशल क्लास थ्योरीज। अब सोशल क्लास थ्योरीज डिस्कस करने से पहले मैंने ब्रीफली इसकी हिस्ट्री डिस्कस की है 1 पैराग्राफ में जस्ट। उसके बाद डिफरेंट जो अर्ली थ्योरीज थी इस क्लास की उनको मैंने डिस्कस किए, जिनमें से अकॉर्डिंग टू मी टॉप थ्योरी जो थी वो मार्क्स की थी, और इसीलिए मैंने टॉप पे उसको डिस्कस किया है। डोमिनेंट क्लास जो थी उसके हिसाब से कि मतलब मटेरियल की प्रोडक्शन नहीं बल्कि आइडियाज़ की प्रोडक्शन थी, ये उसकी थ्योरी थी। उसके बाद कॉन्टेम्प्रेरी थ्योरीज ऑफ क्लास को डिस्कस किया है, जिसमें मार्क्स वाइबर के जो उसकी जो थ्योरी पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस राइज किए गए थे उनका जो आंसर जिन थ्योरीज ने दिया है वो डिस्कस हुई है। नेक्स्ट कम द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल क्लास, और इसमें डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए गए हैं। ये आप अगर चाहें तो इसे पॉइंट वाइज भी डिस्कस कर सकते हैं अगर आप अपने आंसर को ब्रीफ करना चाहें, क्योंकि एक्सपेक्टेड आंसर आपका 1200 to 1500 वर्ड्स पे कंप्लीट आंसर होता है। देन मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, क्रिटिकली एनालाइज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस ऑफ 20th and 21st centuries। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो मेन थिंग आपने करनी है वो ये कि आपने डिस्कस करना है कि 20th century से 21st century तक जो लर्निंग शिफ्ट हुई है उसमें लर्निंग शिफ्ट क्या है, मीन्स कि क्या डिफरेंस है। ऑफ कोर्स नंबर फर्स्ट डिफरेंस है लर्निंग ऑफ साइंस में। नेक्स्ट 21st centuries जो है वो बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है, करिकुलम बहुत रेलिवेंट है, जनरेटिव टॉपिक्स उसमें इंक्लूड किए गए हैं, उसके अलावा डिसिप्लिन टीच किया जाता है स्टूडेंट्स को, ठीक है, और थ्रू डिसिप्लिन बहुत सी स्किल्स एनहांस की जाती हैं। नेक्स्ट लोअर और हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स भी डेवलप की जाती हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा इनकरेज्ड फील करते हैं, वो अपने व्यू पॉइंट्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स द इनकरेज ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। इट्स मीन कि ऑफकोर्स जो स्टूडेंट्स जो लैक करते हैं कॉन्फिडेंस और जिन जो अपने व्यू पॉइंट्स एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उनके लिए बहुत ही इनकरेजेबल मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत अच्छे तरीके से अपने एक्सप्रेस कर सकते हैं व्यूज़। नेक्स्ट कम्स के टीच जो स्टूडेंट्स हैं उनको टीचर्स किस तरह से टीच कर सकती है, वो बहुत सारी स्किल्स हमें 21st century की लर्निंग सिखाती है। नेक्स्ट एड्रेस मिसअंडरस्टैंडिंग डायरेक्टली, कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स स्टूडेंट्स को होती हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो वो साइंस की लर्निंग जो है वो मतलब साइंटिफिक लर्निंग बहुत अच्छे से क्लियर कर देती हैं। नेक्स्ट टीम वर्क बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया 21st लर्निंग्स में, और टेक्नोलॉजी जो है वो आपको पता है कि टेक्नोलॉजी का इट्स द एरिया इज़ द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी के बिना तो अब कुछ भी नहीं है। तो 21st century की जो लर्निंग स्किल्स हैं वो स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी को भी इन्हांस करती हैं, और थ्रू द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिफरेंट कंप्यूटर्स, ठीक है। नेक्स्ट कम्स द डिस्क्राइब इन डिटेल क्लासरूम असेसमेंट टेक्निक्स, क्रिटिकली एनालाइज विच टाइप ऑफ असेसमेंट टेक्निक इज बेटर फॉर विच सॉर्ट ऑफ सब्जेक्ट। अब सबसे पहले तो आपने क्लासरूम असेसमेंट टेक्निक को डिस्कस करना है, और ऑफ कोर्स आपको पता है कि असेसमेंट टेक्निक्स डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, जिसमें प्री असेसमेंट और डायग्नोस्टिक असेसमेंट आ जाती है, फॉर्मेटिव असेसमेंट आ जाती है, समेटिव असेसमेंट, कॉन्फर्मेटिव असेसमेंट, नॉन रेफरेंस असेसमेंट, क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट एंड एप्सेटिव असेसमेंट। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उस चीज़ को कंप्लीट एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि एक्चुअली ये असेसमेंट्स क्या हैं।
और ये कहाँ पर यूज़ होंगी और किस टाइप के स्टूडेंट्स के लिए ये ज़्यादा प्रेफरेबल है. नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन नंबर 5. डिस्क्राइब थ्योरेटिकल परस्पेक्टिव एंड मॉडल्स ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट. अब प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्या होती है कि जिस तरह से टीचर्स की जो डेवलपमेंट होती है तो वो किस हद तक होती है, लाइक वो किस तरह अपने स्टूडेंट्स को टीच कर सकती हैं और कौन सी एक्टिविटीज़ को वो इम्प्लीमेंट कर सकती हैं, वो सब चीज़ें जो है वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट में आ जाती है और वो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और इसके डिफरेंट मॉडल्स भी डेवलप किए गए हैं, डिफरेंट थियोरिस्ट ने डिफरेंट मॉडल्स डेवलप किए हैं, ठीक है. और जो एनालाइज भी करते हैं टीचर के रोल को, उसके अलावा किस तरीके से लर्निंग को बेटर बनाया जा सकता है, वो सब कुछ इसमें डिस्कस हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है. और अगर मज़ीद आप अगर इसमें सब हेडिंग्स भी इंक्लूड करना चाहें तो आप इस आंसर में सब हेडिंग्स इंक्लूड कर सकते हैं. इट्स जस्ट ऑल योर चॉइस, इट्स ऑल अबाउट योर क्रिएटिविटी, योर प्रेजेंटेशन ऑफ द असाइनमेंट. आप किस तरह कितनी अच्छी असाइनमेंट बना सकते हैं. काइंडली इफ़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और एक्सप्लेनेशन भी, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा एंड जस्ट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.